नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां के पुलिस कप्तान ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराध मुक्त समाज बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं अपराधी हैं कि अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली सफीपुर का, जहां आज सुबह सलिंद रोड पर याकूब पुत्र इकबाल अली के आम के बाग में झाड़ियों में एक युवती का संदिग्ध हालात में शव पड़ा मिला। शव पड़ा होने की जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली तो गांव वालों में हड़कंप मच गया। वही घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस विभाग को हुई तो उनके हाथ पैर फूल गए। आनंद फानंद में घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कप्तान व कोतवाली प्रभारी अशोक पांडे ने जाँच की तो पता चला कि मृतक का नाम अफरीन उर्फ परो, उम्र 21 वर्ष, पत्नी पप्पू निवासी भटियापुर थाना कोतवाली बंगरमऊ की निवासी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सफीपुर का नहर पट्टी का इलाका है। यहाँ पे सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 30 साल है और कपड़ों से मुस्लिम बिरादरी के लग रही थी, उनका शव मिला था यहाँ पे। तो इसकी अभी पहचान के सिलसिले में इनके पता चला है कि ये ग्राम सहिता थाना 84 की रहने वाली है। उनके परिजनों को भी यहाँ बुला लिया गया है और यहाँ पे मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और जो हमारी सर्विलांस की टीम है और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया है और इसको इसमें फोरेंसिक टीम को भी हम मौके पर बुला रहे हैं और इस घटना के अनावरण के लिए हमने 4 टीमें लगा दी हैं जो अभी काम कर रही हैं। जल्द ही इसका अनावरण हो जाएगा और हम इसका खुलासा कर देंगे और